हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे पेंट में इरेजर टूल का साइज़ कैसे बड़ा करें। दोस्तों, बहुत आसान तरीके से पेंट में इरेजर का जो टूल्स होता है उसे बहुत आसान तरीके से हम बड़ा कर सकते हैं, या फिर रबड़ बोल सकते हैं। तो इनका जो साइज़ बड़ा करने के लिए हमारा वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, मैं अपने सिस्टम में आ चुका हूँ और फिर आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले पेंट को जो भी आप लैपटॉप में यूज करते हैं तो उसे ओपन कर लें, ठीक है। लैपटॉप या पीसी कुछ भी इस तरह देखिए मेरा पेंट हो गया है। इसमें कुछ लिखते हैं तो क्या करते हैं, अगर कुछ आप पहले पहले आपको कुछ इसमें बना देते हैं, उसके बाद कुछ करके दिखाते हैं। तो जैसे कि मैं इसे ये बना दिया, और फिर देखिए ये बना दिया और ये बना दिया, ठीक है ना। इसे बनाने के बाद या फिर कुछ आप लिखते हैं या फिर जो भी कुछ है, मतलब आपको इरेज करना है, ठीक ना। तो इसके बाद आपको देखिए इरेजर का जो ऑप्शन यहाँ पे टूल्स है उसे ले लेंगे। और देखिए ये जो साइज़ है, देखिए अभी तो बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब कि देख सकते हैं कि इतना छोटा है, बहुत मेहनत लग रहा है। तो आपको करना क्या है कि जो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन है, कंट्रोल का बटन दबा लें, और जो देखिए कीबोर्ड का जो आप राइट तरफ देखेंगे इंटर का ऊपर में प्लस का चिन्ह होगा और एक माइनस का होगा। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और प्लस का जो चिन्ह है उसे दबाएं, ठीक ना। तो कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो देखिए मेरा साइज बड़ा हो जाता है। इसे दबा ले रखें तो देखिए बड़ा हो जाता है, ठीक ना। इस तरह आप आराम से मिटा सकते हैं। तो ऐसा करें, कंट्रोल प्लस जो प्लस का जो चिन्ह है उसे दबा ही रखें, ठीक ना। अन्यथा अगर छोटा करना है तो माइनस का चिन्ह, कंट्रोल प्लस माइनस का चिन्ह दबाए रखेंगे। कंट्रोल एक साथ दबाना है, कंट्रोल इसे पहले दबा लेंगे उसके बाद प्लस का चिन्ह दबाए रखेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल दबा के प्लस का जो बटन है कीबोर्ड में उसे दबा रखें, और माइनस का जैसा दबा के रखेंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस का दबाएंगे इस तरह तो बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।